नमस्कार. उर्दूतील एक क्रमांकाच्या इन्कलाब या दैनिकात माझे एक सदर सुरू झाले आहे. मराठीतील लोकप्रिय गाणी उर्दूमध्ये देणे हे त्या सदराचं उद्दिष्ट. मी डोलकर ह्या गीतानंतर धुंदी कळ्यांना हे गीत आपण दिलं होतं. आता हे तिसरे गीत श्रावणात घन निळा बरसला. ही गीतं ऐकून अनेक मराठी वाचकांनी सांगितले की आम्हाला ते वाचता येत नाही, तुम्ही काहीतरी करा. मी संभ्रमात होतो, पण उर्दू साहित्याचे जाणकार व जळगाव आकाशवाणीचे निवेदक जावेद अन्सारी यांनी हा प्रश्न सहज सोडवला. ते म्हणाले, मराठी लोकांना कळावे म्हणून मी तुमचा मज दर सोमवारी मराठी वाचकांसाठी वाचून देत जाईन. त्यांनी तुमच्यासाठी आपल्या खास आवाजात हा मजकूर पाठवला आहे. आपण वेळ मिळेल तेव्हा जरूर ऐका. या मजकुराला थोडंसं ठिगळ हे मी माझ्या आवाजाचं लावलं आहे, कारण मराठी ओळी मी वाचल्या आहेत. धन्यवाद. बरसात पर सैकड़ो नगमात हैं, मगर इस गीत का क्या कहना. इनकलाब का एक और सिलसिला, तीसरी किस्त. इस कॉलम में मराठी के मशहूर लोकगीतों का उर्दू तर्जुमा पेश किया जा रहा है. खुशी की बात है कि कारईन इसे पसंद फरमा रहे हैं. इस हफ्ते भी तमाम अहले उर्दू को मेरा आदाब. साहिबो, आप जानते हैं बाज़ गीत ऐसे होते हैं जो कोई त्यौहार आने पर आपको याद आ जाते हैं. इसी तरह बाज़ गीत ऐसे होते हैं जो मौसमों की तब्दीली पर जहन में उभरने लगते हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त जब मौसम बारिश का हो. आज ऐसा ही एक गीत मेरे सामने है, जिसकी फरमाइश हमारी दावत पर एक कारी ने की है. मराठी के मशहूर और मुमताज़ शायर मंगेश पाटगांवकर जी और मौसीकार श्रीनिवास खरे जी एक मरतबा मुंबई की चिलचिलाती धूप और सख्त गर्मी में लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे. पसीने में शराबोर थे. पाटगांवकर जी ने दो मिसरे लिखे और श्रीनिवास जी को पढ़ने के लिए दिए. उन्होंने कहा, आप ही पढ़कर सुना दीजिए. उसे तीन चार बार पढ़ा गया और वहीं बैठे बैठे धुन तैयार हो गई. उसके बाद रोज़ाना एक अंतरा पाटगांवकर जी लिखते थे और खरे जी उसे धुन अता करते थे. ये गीत किसी एक राग में तैयार नहीं हुआ है. खरे जी ने चार अंतरों को अलग अलग धुन अता की है. अब सवाल ये था कि इसे कौन गाएगा, क्योंकि खरे साहब बहुत मुश्किल और पेचीदा धुन बनाते थे. खुशकिस्मती से मराठी में एक ही नाम था, सरे फहरिस्त नाम, जिसकी आवाज़ और जिसके अंदाज़ का हर शख्स शैदाई था. जी हाँ, आपने सही पहचाना, लता मंगेशकर. लता जी ने इस गीत में चार चांद लगा दिए. आइए सुनते हैं बारिश पर लिखा गया वो गीत जो चिलचिलाती धूप में सफ़र के दौरान मारिज़े वजूद में आया. श्रावणात घन निळा बरसला, रिमझिम रेशीम धारा उलगडला झाडातून आवचित हिरवा मोर पिसारा. सावन के नीले बादल बरस गए, अचानक दरख्तों के हरे पंख खुल गए. बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर जब मोर अपने पर फैलाकर नाचता है तो उसे लगता है जैसे उसने हीरों से मुजयन कोई खुश लिबास कोई शाही लिबास पहन लिया है. वैसे ही पेड़ों का सब्ज लिबास बाहर निकल आया है. ऐसा लग रहा था काले बादल बरसते हैं, फिर ये धुन नीला लफ्ज़ किस लिए. हिंदू मैथोलॉजी में ये कृष्ण का एक नाम है. राधा कह रही है कि मेरे नीले रंग का बादल आ गया है. शायर ने
बारिश और राधा के प्यारे कृष्ण दोनों के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करके गीत को एक अलग ही रंग बख्शा है। जागुन जाची वाट पाहिली ते सुख आले दारी, जिथे तिथे राधेला भेटे आता श्याम मुरारी। माझ्याही ओठांवर आले नाव तुझेच उदारा, श्रावणात घननिळा बरसला। रात भर जागकर मैंने जिस खुशी का इंतजार किया था वो दरवाजे पर आ गई। मेरा घनश्याम आ गया है, अजब राधा को जगह जगह पर अपना श्याम मुरारी मिल गया है, दिखाई दे रहा है। अरे खुदा तू कितना मेहरबान है, ये सोचकर मेरी जबान पर बेसाख्ता तेरा नाम आ गया है। रंगांच्या रानात हरवले हे स्वप्नांचे पक्षी, निळ्या रेशमी पाण्याभरती थेंब बावरी नक्षी। गतजन्मीची ओळख सांगत आला गंधित वारा, श्रावणात घन निळा बरसला रिमझिम रेशीम धारा। रंगों के जंगल में सपनों के परिंदे खो गए हैं, नीले रेशम के जैसे पानी पर अल्हड़ और दीवानी बूंदों ने कढ़ाई की है, खुशबूदार हवा ने पिछले जन्म की पहचान जाहिर कर दी है। पाचूचा हिरव्या माहेरी उन हळदीचे आले, माझ्या भाळावर थेंबाचे फूल पाखरू झाले। मातीच्या गंधाने भरला गगनाचा गाभारा, श्रावणात घननिळा बरसला रिमझिम रेशीम धारा। ये हरे हरे सफात के मैके जैसे जंगल में हल्दी जैसी धूप आ गई है, यहाँ सफ़े से पानी की बूंदों का चमकना मुराद है। ये पानी के सफात जैसी बूंदों का मायका पत्तों पर होता है। मेरी पेशानी पर एक छोटी सी बूंद थी, वो तो तितली बन गई। खुशी इतनी है मुझे के महसूस यही होता है, आसमान की इबादत गाह का अंदरूनी हिस्सा मिट्टी की खुशबू से भर गया है। पानो पानी शुभ शकुनाचा कोमल ओल्या रेशा, अशा प्रीतीचा नाद अनाहत शब्दा वाचून भाषा। अंतर्यामी सूर गवसला, अंतर्यामी सूर गवसला, नाही आज किनारा, श्रावणात घननिळा बरसला रिमझिम रेशीम धारा। हरे पत्ते पर जो नाजुक सी और कोमल सी भीगी लकीरें दिखाई दे रही हैं वो पाकीज़ा लहरें हैं। मोहब्बत की आवाज़ बार बार सुनाई देती है, जिसकी ज़बान को अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे अंदर की धुन मुझे मिल गई है, आज किसी किनारे की ज़रूरत नहीं। आज जमकर बरसात हुई है, मेरे प्यारे की बरसात, मेरे अरमान पूरे होने की बरसात। यहाँ एक दिलचस्प बात है जो शायर बयान करता है कि मोहब्बत लफ्ज़ों के बगैर होती है। दूसरी दिलचस्प बात अंदरूनी धुन है, यानी बरसात की धुन सुनने वालों से कलाम करती है। ऐसे में लफ्ज़ों की क्या ज़रूरत है।